द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम है जिनका स्थान, वही है सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ भगवान। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे विश्व को अपनी अनुपम शक्ति का एहसास दे रहा श्री सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को कई विदेशी ताकतों ने 17 बार ध्वंस करने के प्रयत्न किए, पर आज तक यह अडिग है। आजादी के बाद 13 नवंबर 1947 को भारत के लोह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया। 23 जनवरी 1949 के दिन सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई और उस वक्त के बाद कदम दर कदम श्री सोमनाथ क्षेत्र में वृद्धि ही होती आई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सोमनाथ मंदिर के मुख्य अध्यक्ष की भूमिका संभाली है, तब से सोमनाथ मंदिर के कार्यों को और भी गति प्राप्त हुई है। मंदिर परिसर, समुद्र दर्शन पाथवे, राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, विशाल पार्किंग जैसे कार्यों से भगवान शिव शंकर के दर्शन को आ रहे लाखों श्रद्धालुओं को सुखद दर्शन का लाभ मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण यहां नजदीक में ही अतिथि गृह की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वैसे तो वर्तमान में ट्रस्ट के 3 गेस्ट हाउस कार्यरत है, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस की कमी बनी हुई थी क्योंकि मौजूदा सर्किट हाउस यहाँ से काफी दूर है। इस कमी को दूर करने का संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिनका मानना है कि जिस स्थल का महत्व हो, उस स्थल की सुविधा भी महत्तम हो। इसी विजन का परिणाम है कि मंदिर परिसर के नजदीक ही नया और भव्य अतिथि गृह बनकर तैयार है। 15,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसका कार्पेट एरिया 7,077 स्क्वायर मीटर है। इस अतिथि गृह में विविध सुविधा से सज कुल 48 कमरे बनाए गए हैं। विशाल पार्किंग के साथ बनाया गया यह 4 मंजिला अतिथि गृह यात्रियों को भगवान श्री सोमनाथ के निकट रहने का अवसर प्रदान करेगा। अतिथि गृह के बाहर बनाई गई लॉन व गार्डन यहां से मंदिर एवं समंदर के साथ सूर्यास्त का नजारा दिखाएगा। साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु 200 लोगों की कैपेसिटी वाला विशाल हॉल यहाँ की संस्कृति लोगों तक पहुंचाता रहेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल एवं डाइनिंग एरिया व किचन और विशाल स्टोर रूम जैसी सारी सुविधाओं से सज यह अतिथि गृह यहाँ आ रहे यात्रियों की सुविधा में यजमान बनने हेतु उत्सुक है। 30 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस नए अतिथि गृह से श्रद्धालुओं को सोमनाथ क्षेत्र में किफायती और बेहतर सुविधा मिलेगी। टूरिज्म का विकास होगा, आरामदायक स्टे एवं पुण्य दर्शन प्राप्त होंगे। यात्रा कर रहे लोगों की दुविधा हरने वालों को यात्रा जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसे ही भगवान श्री सोमनाथ को मिलने आ रहे यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इस अतिथि गृह का लोकार्पण हो रहा है। जय सोमनाथ।